शाम तक हम लोग घर नहीं आते, छोटे बच्चे को छोड़कर हम गली गली घूमते हैं। हम निकल चुके हैं और अब हम हार मानने नहीं है, ना भूपेश सरकार देखे, प्रत्येक को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करते हैं। भूपेश सरकार अपने आँखें में पट्टी लगा कर बांध कर बैठे हैं। तो सुनी, जब तक हम आगे बढ़वो, हम तक माँ चंडी के रूप धरवो, बोला सुने वो पढ़ी नहीं सुनी तो वह निकल ही इधर नहीं आवे। प्रदेश में लगातार आंदोलनों का दौर जारी है, लगातार हड़तालों का दौर जारी है। एक बार फिर से स्वास्थ्य मितानिन अपनी मांगों को लेकर आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार मुखर है। मंच के माध्यम से बड़ी संख्या में आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, पीछे तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है प्रदर्शन का दौर जारी है और इस प्रदर्शन में एक विकराल रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार अपनी वायदों को लेकर फिर से एक बार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ मितानिन दीदी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांग है आप लोग को जो राजधानी रायपुर आना पड़े आप लोग को? हमारी मांगे हैं, मैं तो अपने कोंडागांव जिला से राज्य प्रांतीय अध्यक्ष बनी हूँ, है ना, तो हमारी सिर्फ चार ही मांग है। चार मांग में हम लोग रखे हैं, है ना, चार मांग में है सिर्फ हमारा नियमितीकरण। हमारी एमटी मितानिन बीसी एसपीएस हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर, ये सभी का हमारी नियमिती मांग होना चाहिए, है ना, नियमितीकरण करो। और दूसरा मांग जो रखे हैं हम अपना, जब सामान्य मृत्यु हो जाता है तो 2 लाख रुपये हो, और ऐसी कहीं दुर्घटना से हो जाता है तो हमको 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। और तीसरा जो मांग रखे हैं अपना, भविष्य निधि हो, और चौथा है वो अनुकंपा नियुक्ति हो। हमारी मितानिन जब पारा टोला में काम करती है उसके बदले में हम क्यों किसी को दिया जाए, है ना, तो हमारा मांग यही है कि हम पारा में काम कर रहे हैं तो हमारे घर में बहू बेटी हैं तो उनको मिलना चाहिए हमको अनुकंपा नियुक्ति। आज तक हम 18 साल हो गया काम करते करते आ रहे हैं, ना हमें कोई किसी नेता ने कोई किसी उठा के नहीं देखा, नेता ही का बात नहीं बोलती हम, गांव-गांव पारा टोला में कर रहे हैं, कोई किसी ने हमको नज़र से नहीं देखा कि लोग क्या करते हैं बोल के, है ना। जब हम जैसे अपना ड्यूटी भी जाते हैं, मितानिन रही, हम मितानिन के साथ ही हम जाते हैं पारा टोला में काम करते, उनके साथ में हम अपना ब्लॉक से निकलते हैं, ब्लॉक से निकलने के बाद में हम एक एमटी होके हम जब जाते हैं पारा में तो उसके साथ जाते हैं, रास्ता में कहीं हो जाता है हमको तो कौन करेगा हमारा, है ना। ये सबको भूपेश सरकार देखे और आगे आए और आज भी आए, हमारी यही मांग है। चार मांग जो रखे हैं वो पूरा करे और साथ में अपना नक्सली भत्ता भी दे हमको, यही हमारी मांगे हैं। चार मांग के साथ हम जोड़ रहे हैं। और अभी हम जब इतना सारा 2 साल हो गया हमारा COVID-19 में चल रहा है काम, जब COVID-19 में सभी को लगा देते काम हम करते हैं, है ना, काम हमारी मितानिन पारा टोला में कितना काम कर रही है उस काम को नहीं देखता क्या, उसके बावजूद भी वो सारे जगह में जाके, है ना, उनको किनको श्रेय मिल रहा है, आंगनबाड़ी को मिल रहा है, मितानिन को छोड़ के कोई टीचर को दे रहे, अभी तो आया है तो उसको देखे ना भाई, हमारी मितानिन घर घर जाके कर रही है, साथ में हम जाते हैं हमको भी देखे वो, है ना। तो जब हम जाते हैं यहाँ तक के हम क्या बताएं, जब वो COVID-19 में चल रहा था जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया उसके हाथ में हम जाके उसको दवाई दिए हैं तो क्या हमारा जान जान नहीं है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है ना, अपना जान जान है, उसी जगह हम उसकी बीबी को निकाल के देखे सरकार, है ना, वो कैसे काम करता है तब उसको समझ आएगा कि काम क्या होता है। COVID-19 के तहत हम कितना काम कर रहे हैं, पारा टोला में जाते हैं लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, उन लोग हमको मार पीट कर रहे हैं, मार खा रहे हैं हम लोग, है ना, जब जाते हैं तो मारते गाली देते हैं, जंगल विभाग में जाके देखे जंगल वाले कितना होते हैं, हमारे बस्तर में आके देखे सरकार हमारे बस्तर कैसा है, पारा टोला में जाते हैं पारा टोला में देखे कि हम घूमते हैं वहीं लड़ाई होता है मारपीट होता है, मार खाने के बाद भी हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए क्या, है ना, हम शासन से पूछते हैं सरकार हमें बताए। ये सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी आप लोग ने आवेदन निवेदन किया था सरकार से, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला था उनसे पहले? हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, हमको मिलना चाहिए, है ना, हमारी मांग सिर्फ चार मांग है, चारे मांग हमारा पूरा कर दे बस, और यदि मांग नहीं पूरा करता है, यदि मांग पूरा नहीं होता है तो हम 8 दिन के लिए अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, 8 दिन में यदि नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना में उग्र आंदोलन में बैठ जाएंगे। क्या लगता है सरकार की क्या मजबूरी है जो आप लोग की मांग पूरा नहीं कर पा रहे अब तक क्या हम तो बैठे नहीं थे, आज हम निकल चुके हैं और अब हम हार मानने नहीं, है ना, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, है नहीं, नारी शक्ति है, अब हमारी देखो काली का रूप लेके बैठ गई है, अब हो सके तो काली बन जाएंगे और हमारी मितानिन बहनें सब बैठ जाएंगे दुर्गा काली का रूप लेके और यहाँ पर बैठ के पूरा 8 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन धरना लेके बैठ जाएंगे। सरकार को करना पड़ेगा, सरकार को आना पड़ेगा। प्रदेश में लगातार हड़ताल जारी है, उनकी मांग नहीं सुना जा रहा है, क्या आप लोग का मांग सुना जाएगा? सुना जाएगा, क्यों नहीं सुनेगा, जब हम बैठे रहेंगे तो दे हमको
आने वाले समय में क्या कुछ रूप लेगा आप लोग का आंदोलन? बिल्कुल रूप लेगा, आगे उग्र आंदोलन करेंगे ही करेंगे हम लोग। कुछ और मितानिनों से भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ समस्या आता है? आप मितानिन हैं, कहाँ से आए हैं पहले बताएंगे, नाम बताएंगे अपना। मैं जांजगीर जिला से आई हूँ, ग्राम नेंगुडी की। मैं राधा बाई कश्यप मितानिन हूँ। किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप काम के लिए निकलते हैं मितानिन के रूप में? तो जी, हम लोग जब निकलते हैं तो हम लोग कोविड-19 का टीका लगाने के लिए घर घर बुलाने जाते हैं, प्रत्येक को बुलाकर टीका लगवाते हैं। और हम लोगों का सुबह से निकलकर शाम तक हम लोग घर नहीं आते, छोटे बच्चे को छोड़कर हम गली गली घूमते हैं और घर घर से निकालकर कोरोना का टीका लगवाते हैं। फिर भी हम लोगों को ये सरकार देख नहीं रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है आज तक। तो हम लोग आज आंदोलन में बैठे हैं और अपना मंजिल पाकर ही रहेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे कुछ भी करना पड़े, हम छोटे से बच्ची को छोड़कर आए हैं, अभी 2.5 साल का बच्ची है, उनको छोड़कर हम यहाँ आए हैं और घर घर हम अपने गांव में अपने पारे टोले में जाकर अपना कार्य करते हैं। और कोविड-19 के लिए इतना मेहनत किए हैं कि हम लोग रोज जाकर प्रत्येक को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करते हैं और टीका लगवाते हैं। कोई एक छूट जाता है तो उनको भी आकर टीका लगवाते हैं। बार बार हम लोग उनको प्रेरित करते हैं और उनको बुलाकर हम टीका लगवाते हैं। तो हमारी मांगे क्यों नहीं पूरा करेंगे? भूपेश सरकार को पूरा करना पड़ेगा। हम लोग भी आज आकर बैठ गए हैं और आंदोलन में हम लड़ाई लड़कर अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे, चाहे हमें इनके लिए कुछ भी करना पड़े। एक बड़ी बात है, क्या लगता है आपके विभाग के लोग, आपके विभाग के मंत्री, आपके जो आसपास जो लोग रहते हैं, क्या आपके समस्याओं से वाजिब नहीं है, जिनको नहीं लगता कि आप लोग की मांग वाजिब है? जी, हम लोगों की मांग को वाजिब समझते हैं। जनता बोलते हैं लेकिन सरकार सुनते नहीं। हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं वो मितानिन क्या कार्य कर रही हैं। जन जन जाकर हम लोग उनको समझा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, तो लोग जानते हैं कि मितानिन को भी मिलना चाहिए, ऐसा भी उनका है। लेकिन ये भूपेश सरकार अपने आँखें में पट्टी लगा कर बांध कर बैठे हैं, वो अभी जागे नहीं हैं। उनको जागना पड़ेगा, सरकार को जागना पड़ेगा। और हम मितानिन सभी को हमका जो नियमितीकरण के लिए हम लोग जो 4 योजना है उनको वो मांग पूरा करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया सरकार की थे, छत्तीसगढ़िया सरकार छत्तीसगढ़ी मन के जो आवाज़ ले सुनी तभी तो हम बोला सरकार बनाए हैं। छत्तीसगढ़िया सरकार बने तो हमारा आवाज़ ले सुनी कैसे नहीं, बोला सुनना पड़ी। आपका दिल है अपन आवेदन निवेदन करो, नहीं सुनी से आपका सुनी कैसे नहीं सुनी, वो सुनी। जब तक हम आगे बढ़वो हम अतका कन माँ चंडी के रूप धरवो, बोला सुने वो पढ़ी, नहीं सुनी तो वह निकल ही एदारी नहीं आवे। हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार बना है तो का सोझे का इतना कन, जब हम अतका कन कार्य करे थे तो हाथ में पट्टी बांध के रखे, ओकर कान सुनाई नहीं देते, काब नहीं सुना थे वह, सुने वो पढ़ी बोला आवाज वो पढ़ी। और हमार जो यह हम मांग है पूरा करे वो पढ़ी, हमार जो 4 मांग है बोला पूरा करे करी पड़ी, नियमितीकरण करे पड़ी, हमन के जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते ओकर लिए ओला देहे पड़ी, हमार घर परिवार से अगर हमन के किसी भी समय में मृत्यु हो जाते हमन कार्य करत हन तो अनुकंपा में हमार घर के कोई भी एक ला मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलना चाहिए ओकर लिए, चाहे कुछ भी हो जाए।